आप जानते हैं ना ओम शंकर जी की हालत कैसी है। एंड फ्रेंकली टेलिंग यू, वेट करना एडवाइजेबल नहीं है। उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और आप हैं कि त्रिशा जी, प्लीज आप समझाइए ना। आई एम सॉरी डॉक्टर ऋषभ, मैं आपको ऑपरेशन की परमिशन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते हैं आप परमिशन? क्योंकि मैं मेडिकल रूल्स और नर्स के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं खुद देख के आया हूं सुजीत बाबू, ही इज सिंकिंग। सुजीत प्लीज, यू आर ओनली वेस्टिंग टाइम। सुजीत बाबू मान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपकी जिद की वजह से सिर्फ पछताने के अलावा हमारे पास कुछ ना बचे। कर दीजिए साइन। आप भी शुरू हो गए नाना, मतलब आप भी ये चाहते हैं कि अपने हाथों से हम बाबू साहब को मर्डर करने का परमिशन दे देना है? ना 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 ना, ना। आप रहने दीजिए, अगर इन्हें ये लगता है कि एक डॉक्टर एक मर्डरर या क्रिमिनल हो सकता है तो फिर हम यहाँ से चले जाते हैं। लेट्स गो संध्या। ऋषभ जी, ऋषभ भैया, साइन करेंगे। लाइए नीचे। ये लीजिए डॉक्टर। कोई ऋषभ भैया, बेस्ट ऑफ लक। हमें डॉक्टर ऋषभ पर पूरा भरोसा है। अच्छा, अमृत टपकता है उनके हाथ से। ये बीच में ओम शंकर जी की तबीयत बहुत नाजुक थी। अब क्या बताएं आपको, सिर्फ कहने के लिए कुछ भी कह दें क्या? आज हमें भी उतना ही पता है जितना आप सब लोगों को पता है, लेकिन अगर बाबू साहब का इतना फिक्र होता है आप सब लोगों को तो दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। सुजीत बाबू, त्रिशा और काकुल की जिम्मेदारी आप पर है। अगर आप ही इस तरह हार मान लेंगे तो उनका क्या होगा? आप टेंशन न लें, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या ठीक हो जाएगा नाना? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। आपको डॉक्टर ऋषभ पे बिल्कुल भरोसा नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब क्या स्टैम्प पेपर में लिख के दें आपको? नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
तमाशा देखिए ना, ऐसे धोखेबाज लोगों पे इतना विश्वास किया जा रहा है और हमें सब पराये समझने लगे हैं। ऐसा नहीं है सुजीत बाबू। ऐसा ही है नाना, ऐसा ही है। अभी सारा ड्रामा अपनी आंखों से देखे हैं आप, फिर भी ऐसा कह रहे हैं। हमारा बात ठुकरा दिया काकुल ने, अपनी मर्जी से इतना बड़ा फैसला ले लिया, इतना बड़ा कदम उठा लिया। हम क्या हैं? हम क्या हैं? जिंदगी में कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया, इतना कमजोर महसूस नहीं किया हमने। अगर बाबू साहब का बाल भी बांका हुआ ना नाना, तो हम क्या सुजीत बाबू, तो हम क्या? ऊपर वाला देख रहा है, भोलेनाथ देख रहे हैं, उनकी नजर है सब पर। सुजीत बाबू, बाबू साहब ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, आगे बढ़कर मदद की है लोगों की। ऐसे आदमी का ईश्वर कभी बुरा नहीं कर सकते, ऐसा हमारा विश्वास है। वो तो ठीक है नाना, लेकिन जब एक अपना एक दुश्मन को बाबू साहब के पास छोड़ा है तो फिर क्या कीजिएगा आप? क्या कीजिएगा? क्या कर लेंगे ऋषभ बाबू? आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है नाना कि वो क्या क्या कर सकते हैं। बाबू साहब आंखें मूंद कर बेहोश पड़े हैं, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि उस ससुर ने क्या क्या कर दिया। डॉक्टर ऋषभ के बारे में ऐसा मत सोचिए सुजीत बाबू, आप जरा सोचिए। न्यूज देखते ही वो सीधे सीधे पटना आ गए। अमरनाथ की फैमिली में अगर कोई सच्चा और ईमानदार आदमी है तो वो है डॉक्टर ऋषभ। हम नाना आपको जबान देते हैं, डॉक्टर ऋषभ अपने पूरे दिल से पूरा जोर लगाकर बाबू साहब का इलाज करेंगे, देखना आप। डॉक्टर ऋषभ है ना ऑपरेशन थिएटर में, जस्ट ट्रस्ट हिम। अच्छा अभी देखना, बहुत जल्दी हमें अच्छी खबर मिलेगी। ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है ना। तुम बाबूजी से सब कुछ छुपाते ना, उन्हें ये अचानक पता चलता, और ना ही काकुल प्लीज, सबसे पहले तो तुम ये गिल्ट अपने मन से निकालो, ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दो कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। देखो तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, अगर तुम इसी तरह परेशान होते रहे तो तुम्हारी हेल्थ पे तो बुरा असर पड़ेगा ही, साथ में तुम्हारी बेबी की भी हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। जस्ट काम डाउन। काकुल, सिंथिया जी ठीक कह रही है, तुम्हें अपनी तो चिंता है नहीं, कम से कम उस नन्नी सी जान की तो फिक्र करो। और तुम्हें ऋषभ भैया पे भरोसा था, इसलिए उनको तूने पिताजी को ऑपरेशन करने के लिए कहा ना। और फिर से एक बार चीजों के खिलाफ जाकर उनका दिल दुखाया है हमने। लेकिन पिताजी की जान बचाने के लिए ही ना काकुल, जब तू पेपर साइन कर रही थी तब मन किया तेरी पीठ थपथपाऊं और तेरे गले लग के रो पड़ू। तेरी जीजू के वैसे मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन पिताजी का ऑपरेशन भी तो जरूरी था, और उस वक्त किसी ना किसी का तो आगे आना ही था। और रही बात तेरी जीजू की, मैं उन्हें संभालूंगी, तो टेंशन मत ले। दीदिया, एक आप ही है जो हमें समझती है, हमें माफ कर दीजिए दीदिया, माफ कर दीजिए। आपकी, बाबूजी की और जीजू की, सबकी जिंदगी में तूफान लाने वाले तो हम ही हैं। हमारी वजह से जीजू आपसे नाराज है, उन्हें ऐसा लगता है कि हम उनकी बात मानना ही नहीं चाहते, लेकिन आप तो सब कुछ समझते हैं ना दीदिया। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ काकुल, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तू चिंता मत कर। जब तक बाबूजी की खैरियत की खबर हमें नहीं मिल जाती और जब तक जीजू हमें माफ नहीं कर देते, हमें चैन नहीं मिलेगा।
ऑपरेशन करने में इतना देर लगता है, 2.5 घंटा हो गया। टाइम तो लगता है सुजीत बाबू, ऑपरेशन कोई आके हमें बता नहीं सकता है क्या चल रहा है अंदर? ऑपरेशन थिएटर से कैसे? हमारा जिम्मेदारी नहीं है क्या इनका कुछ? भगवान ना करे कि बाबू साहब को कुछ। कुछ नहीं होगा बाबू साहब को, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। सुनिए मेहरबानी करके काकू को ये कह दीजिए ना कि उसने जो कुछ भी किया है ठीक किया है। अब तुम्हारी काकुल जी को हमारे किसी सर्टिफिकेट का जरूरत है? अरे वो तो बच्ची है, लेकिन आप तो समझदार हो, रो रो के बेहाल हो गई है वो। हाँ सुजीत बाबू, जब तक बाबू साहब को कोई खबर नहीं आ जाता हमें, हम नहीं करेंगे उसे बात। काकुल क्यों घबरा रही हो? भरोसा है ना भगवान पे, है कि नहीं? और तुम तो इतनी पूजा करती हो काकुल, वी ऑल आर प्रेइंग एंड गॉड विल श्योरली लिसन टू आवर प्रेयर्स, जस्ट हैव फेथ। ऋषभ भैया के आने से हमें बहुत हिम्मत मिली काकुल, ऋषभ जैसे इंसान बहुत कम होते हैं और जिसे उनका साथ मिले वो तो बहुत लकी होता है। थैंक यू सो मच, आप जो हमारा साथ दे रही है। वैसे आपको जब भी देखा है ऋषभ भैया के साथ ही देखा है, आई होप आपको बुरा नहीं लगा हमारा पूछना। अरे नहीं, वो क्या हुआ कि जब हमें बगैर लाइट का ऑपरेशन कैसे होगा बताइए? अगर लाइट नहीं आई तो क्या होगा? आ जाइए आ जाइए, बाग वाले हेड को फोन करके तुम बोला 5 मिनट में लाइट चाहिए वरना ऐसी तसी कर देंगे तुम। अरे कुछ कीजिए आप, कुछ कीजिए। हे भगवान अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, आप फोन लगाइए, आप वो छोड़िए, आप फोन लगाइए। जनरेटर नहीं है क्या आप लोगों के यहाँ? है बस। थैंक गॉड। वाले भी ना पॉलिटिशियंस को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? जैसे सारी दुनिया में इनके अलावा कोई है ही नहीं, एक छींक भी आ जाए ना तो हल्ला करके आसमान सर पे उठा लेते हैं। मैं तो कल से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि इस एक्सीडेंट का देविका के रिश्ते पर कोई असर ना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी थोड़ी देर में फोन करता हूँ ऋषभ को, पूछता हूँ कब आ रहा है, फिर सब काम छोड़ के वर्मा जी के यहाँ जाते हैं, वो काम भी निपटा देते हैं। मैं तो चिंता की वजह से सारी रात ठीक से सो नहीं पाई।
सब ठीक है, ऑपरेशन कामयाब हो गया है। बस अब उन्हें कम से कम 12 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह! भाई आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आ गए। सुजीत बाबू, कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। हेलो, प्लीज कम इन। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, प्लीज कम इन प्लीज। हेलो बाजी, हेलो बेटा, नमस्ते। आइए प्लीज बैठिए, बैठिए प्लीज। हाय, नमस्ते आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, माफ कीजिएगा अमरनाथ जी, सुबह सुबह आ गए हम, लेकिन जैसे ही ओम शंकर जी की एक्सीडेंट की खबर मिली, हम सभी बहुत परेशान थे। आखिर समधी वो ठहरे आपके? हम भी शायद समधी बन जाए तो फिर एक दूसरे का सुख दुख तो बांटना ही पड़ता है ना जी। कोई नई ताजी खबर मिली उनकी सेहत के बारे में? आपके बेटे सम्मान तो वही होंगे ना, कोई फोन पे बात हुई उनसे? जी वो हमने सुबह की न्यूज में देखा, तब भी ऑपरेशन ही चल रहा था। अरे टीवी ऑन कीजिए ना, कुछ तो पता चले क्या हुआ। जी अपने चाहते नेता ओम शंकर की सलामती की दुआ में इन लोगों ने पूरी रात आंखों में काटी है। आप ताजा तस्वीर देख रहे हैं पटना के उस हॉस्पिटल की, जहां पर एक सड़क दुर्घटना के बाद ओम शंकर जी को एडमिट किया गया। आइए बात करते हैं डॉक्टर ऋषभ चौधरी से, जिन्होंने ओम शंकर जी का ऑपरेशन किया। शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते, डॉक्टर ऋषभ ओम शंकर जी के रिश्तेदार हैं। डॉक्टर ऋषभ के छोटे भाई सम्मान से ही ओम शंकर जी की छोटी बेटी काकुल की शादी हुई है। आइए हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर ऋषभ के पास। डॉक्टर ऋषभ, ये क्या कर रही है पटना में? आप जरा सोचिए, बाबू साहब की जान बचाने के लिए डॉक्टर ऋषभ खुद अपने लाइफ का रिस्क लिया है, और ऐसे समय में कम से कम एक थैंक यू तो बोलना चाहिए कि नहीं? बाबू साहब अब भी ऑब्जर्वेशन में है, खतरे से बाहर नहीं। We are.